नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी। इसने आज 12.23% का रिटर्न दिया है और ये एक एफएनओ स्टॉक है। इसने बॉटम से रिवर्सल दिखाया था, 4 सितंबर को भी ये इसने सेम पैटर्न बनाया था। उसके बाद 2 दिन इसने रेड कैंडल बनाई है और उसके बाद आज इसने 12.23% का रिटर्न दिया है। पहले इसके हम फाइनेंशियल देख लेते हैं क्या और कैसी कंपनी है ये। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज ए सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई अस एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी। इट इज एंगेज्ड इन एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडियन पावर सेक्टर। इंडियन पावर सेक्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंस करती है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका मार्केट कैप की बात करें तो 80,490 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी 4.72, मतलब काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। रिटर्न आरओसी जो है 9.38% है और आरओसी 5 ईयर का भी 9.39%, मतलब कंसिस्टेंस है रिटर्न ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। और प्रॉफिट जो है पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट वेरिएशन है वो 18.9% है, मतलब प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है। करंट प्राइस इसकी 309 है, बुक वैल्यू 319 है, मतलब कि बुक वैल्यू से भी प्राइस अभी भी कम पे ट्रेड कर रहा है। आरओई 20.4% है, इंटरेस्ट कवरेज है, लेकिन इसका अगर आप देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में -2,52,080 करोड़ का इसका फ्री कैश फ्लो है। अब इसका अगर आप ये देखेंगे कि ये इसका ट्रेंड क्या है तो आप देख सकते हैं अक्टूबर 2022 के आसपास ये 101-100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी और आज अभी ये 300 रुपए के आसपास, 305 रुपए के आसपास, मतलब लगभग 3 गुना कर दिया इसने शेयर प्राइस को और 200% का रिटर्न दिया है। इसके प्रो और कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.96 टाइम इस बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.34% और कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 18.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 22.4%। अब कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.79% और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अब अगर पीएस की बात करें तो इससे ऊपर एक कंपनी है जो इससे भी बड़ी है, आईआरएफसी। इसका भी नाम बहुत चल रहा था अभी, जो बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसका प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ा है। ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी पिछले काफी समय से बढ़ रही है और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी पिछले काफी समय से बढ़ रही है। दोनों का पीई का कंपैरिजन भी करें तो आईएफएससी का तो पीई फिर भी 16.14 है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पीई तो 4.72 ही है। और बाकी जो डाटा है आप वो भी कंपेयर कर सकते हैं। प्रॉफिट वेरिएशन आईआरएफसी का अच्छा है, जो कि उसका प्रॉफिट और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब चलिए इसके चार्ट पे चलते देखते हैं। तो ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में आप देखेंगे कि ये कंपनी 2007 में रजिस्टर हुई थी, लिस्ट हुई थी 56 रुपए के आसपास में और इसने जो हाई बनाया था लास्ट, ये बनाया था 193 का और उसके बाद से इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है। और ये बनाया था 2010 में और इसके बाद से ये कंपनी कंटिन्यू एक नीचे की तरह ही ट्रेड कर रही थी। और फिर इसने जून 2023 में इस प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया और आप देख सकते हैं उसके बाद से कंपनी लगभग उससे 100 रुपए ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कि लगभग 33% ऊपर उसने रिटर्न दे दिया है। और अब आप इसमें एक चीज और देखेंगे कि इसमें आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते थे, वो तो अब पास्ट की बात हो गई क्योंकि अभी तो ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है। तो आप हमें ये स्टॉक 147 के आसपास भी मिल सकता था। चलिए इसके बाद हम इसमें ये देखते हैं कि आज ये स्टॉक हम डिस्कस कर क्यों रहे हैं। तो स्टॉक का डिस्कशन का रीजन ये है कि ये स्टॉक ने डेली चार्ट में बॉटम से रिवर्सल शो किया है, 4 सितंबर को भी किया था और आज भी किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये लास्ट वीक में 28 अगस्त वाले वीक में ईएमए के सपोर्ट पे आया था, देखिए 9 ईएमए के सपोर्ट, और उससे सपोर्ट पे आने के बाद ये ऊपर की तरफ गया है। तो अभी हम इसका डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट में आपको क्लियरली ये दिखेगा कि बॉटम से रिवर्सल कैसे,
ये देखिए यहाँ पे इसने लो बनाया था, उसके बाद इसने रो को जो कैंडल बनाई थी उसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया था, उसके बाद 2 दिन इसने अगेन रेड कैंडल बनाई और फिर कल और आज ये बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ गया है। तो इसमें बॉटम रिवर्सल है, पैटर्न आया है, इसीलिए हमने आज इस स्टॉक को डिस्कस किया है यहाँ पे इस फोरम में। तो हम इस फोरम में जो स्टॉक डिस्कस करते हैं उसमें ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं, जिसमें बोलिंजर बैंड का स्क्वीज के बाद ब्रेकआउट होता है, कप पैटर्न ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं और बॉटम रिवर्सल स्टॉक्स होते हैं। तो आपको अगर इन तीनों में से किसी भी तरह का स्टॉक्स को बारे में जानना है तो आप इस चैनल पे आके उनको देख सकते हैं, और अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।